शाहपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हरियाणा ब्रांड की अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने अवैध शराब के अड्डे पर दबिश के दौरान दो शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। हालांकि मौके से दो शराब कारोबारी फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके से कुल 180 पेटी हरियाणा ब्रांड की अवैध शराब बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान मौके से अवैध शराब तस्करी में इस्तेमाल टेम्पो को भी बरामद कर लिया गया है। शाहपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान अवैध शराब के बड़े धंधे का खुलासा किया है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया है कि दरअसल गिरफ्तार किए गए दो शराब माफिया राजेश कुमार निषाद और निरंजन भारती शातिर बदमाश हैं। इनमें राजेश निषाद पहले भी अवैध शराब के कारोबार में जेल जा चुका है। इतना ही नहीं, शातिर राजेश निषाद शाहपुर में हत्या के मामले में जेल गए कुख्यात बदमाश त्रिभुवन सिंह का सहयोगी रहा है। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि हरियाणा ब्रांड की शराब के गत्ते पर सेल फॉर हरियाणा की जगह सेल फॉर यूपी कर दिया करते थे। इसके साथ ही शातिर बदमाश हरियाणा ब्रांड की शराब बिहार तस्करी करते थे। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान अवैध शराब के धंधे का खुलासा किया है। इसके अलावा एसएसपी ने कहा कि गिरफ्तार दोनों शराब माफिया पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि शाहपुर थाना के श्रीराम चौराहा स्थित शराब के अवैध गोदाम पर छापेमारी के दौरान हरियाणा ब्रांड की शराब बरामद हुई है। खुलासे के दौरान सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, शाहपुर थाना के प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, हेलो डीजीपी महोदय का एक अभियान चल रहा है अवैध शराब, और इसको लेकर के हम लोग कंटिन्यूअस अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी रखे हुए हैं। इसके तहत शाहपुर पुलिस को और हमारी स्वैट इंचार्ज जो सादिक परवेज है उनको एक सफलता मिली है। उसमें हम लोगों ने टोटल 180 पेटी 6,640 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है, जो हरियाणा की बनी हुई है। हरियाणा से यहाँ तक आई है, तीन जगह अलग अलग दो जगह से ये बरामद की गई है, और जिस जिस गोदामों में रखी गई थी उसको भी हमने मुलजिम बनाया है जिसके यहाँ ये खेप रखी गई थी। इसमें दो लोग अरेस्ट हुए हैं, एक का नाम राजेश कुमार निषाद है, दूसरे का नाम निरंजन भारती है। हम लोग फरार हुए अभियुक्त इसमें मनोज गुप्ता और सुनील प्रजापति है, जो फरार हो गए हैं, जिनके यहाँ एक्चुअल में गोदाम बना करके शराब रखी जाती थी। यह शराब यहाँ लाने के बाद ये सेल इन हरियाणा की जगह फॉर सेल इन यूपी के स्टिकर चिपका करके इसको बेचते थे ताकि किसी को पता ना लगे। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये राजेश कुमार निषाद पहले भी ऐसी घटनाएं कर चुका है और हरियाणा से शराब ला के बेचने में पहले भी जेल जा चुका है। हम लोग इनको दोनों को अरेस्ट कर रहे हैं, दोनों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, और इस शराब की जो कीमत है अनुमानित वो लगभग 4.5 लाख रुपये है। यह नेटवर्क गोरखपुर और आसपास जनपदों में भी ये लोग शराब की सप्लाई करते थे। इसके नेटवर्क को पूरी तरह निस्तेनाबूद करने के लिए भी हमने टीम लगाई है, जो हमारी शाहपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की है, कि इनके साथी और कौन कौन है। हमें टिप मिली थी, त्रिभुवन जब जेल गया था उसका जो साथी था वो भी इसी हरियाणा की शराब में पहले जेल जा चुका था। जो राजेश निषाद है वो भी दीपक नोमानी के साथ पहले जेल जा चुका है। उसके आधार पर हमने जब काम करना शुरू किया तो हमारी टीम को सफलता मिली। अभी कोई बिहार इलेक्शन से कनेक्शन नहीं मिला है, क्योंकि ये गोरखपुर में रखी गई थी और यहीं बेचने का लगता है, आसपास बेचते होंगे, प्लान बना था, क्योंकि शायद सस्ती बिकती होगी, वहाँ से मिलाने के बाद सस्ती पड़ती होगी। थैंक यू।